हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स ए चार्ट मास्टर ग्रुप। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल। जैसे निफ्टी बहुत अच्छा सा रिकवरी दिखाया और इसके वजह से अगर आप देखेंगे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। तो मैं आज जो लाइव ट्रेड आप लोग को दिया था इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा सबको, एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मैं जितना भी कॉल्स दिया था जी, और अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारा कॉल्स दिया था बोरोसिल रिन्यूएबल और इसके साथ साथ टाटा पावर, तो सभी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा सबका। ठीक है, इंडियन होटल में भी बहुत ही अच्छा खासा 5-6% का प्रॉफिट हुआ होगा आपका। तो चलिए ये तो बाद में डिस्कशन करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अभी के लिए निफ्टी का जो मूवमेंट कल के लिए रहेगा, निफ्टी का जो एनालिसिस रहेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा देखिए कल का जो लेवल था, जो सपोर्ट लेवल था 16,800, तो मार्केट उसी के थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, फिर थोड़ा रीटेस्ट किया उसी लेवल को 16,800। इसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप देखेंगे 17,080 और मैं जैसे बोला था कि 17,100 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तब भी जाके पॉजिटिवनेस आएगा, तो बहुत ही अच्छा खासा रैली देखने को मिला मार्केट में। लगभग जितना पॉइंट कल डाउन हुआ था उतना ही पॉइंट मार्केट अप चला गया। तो अगर अभी देखेंगे अभी फिलहाल मार्केट का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 17,300 का। तो मार्केट कल थोड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है। तो पहला टारगेट जो मार्केट का रहेगा वो रहेगा 17,455 का। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर लेता है फिर से हम लोग 17,600 का लेवल देख सकते हैं। तो प्रोवाइडेड क्या होगा, अगर 17,350 को सस्टेन कर लेता है तब भी जाके इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड का मूवमेंट मुझे लग रहा है कि कल डाउन साइड का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 17,300 इसको भी ब्रेक किया है और अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, 50 पॉइंट्स ऊपर है 17,350। तो कल के लिए जैसे भी हो थोड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये चार लेवल आप याद रखिए, 17,600, 17,455, 17,300 एंड अगेन 17,100। ओके, ये चारों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट काम करेगा मैं बता देता हूँ आपको, अगेन 17,300 ये ही कल का जो मूवमेंट को डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ अगर मार्केट 17,450 को क्रॉस कर लेता है तो बहुत ही अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मूवमेंट भी आपको कल के लिए देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।